हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है। और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग ईवीएस के बुक क्लास 4 के लेकर आए हैं। उसका चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे, ईयर टू ईयर। ईयर यानी कि कान, इजंट इट? तो हम लोग कान के बारे में पढ़ेंगे आज। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? यस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसमें एक पिक्चर दी गई है। देयर इज अ पिक्चर गिवन। हु हैज गॉट माय ईयर्स? हर कोई अपना अपना कान ढूंढ रहा है कि किसी को मेरा कान मिल गया है। इस तरह से वो लोग कान ढूंढ रहे, जैसे कि ये हाथी है, तो हाथी अपना कान ढूंढ रहा है कि अरे मेरे को तो चूहे का कान लग गया है, तो मेरा कान कहाँ चला गया, इनका हाथी का कान चला गया। जिराफ के पास, जिराफ कहता है कि अरे मेरे यहाँ पे तो हाथी का आ गया, मेरा कान कहाँ चला गया। तो बताओ जिराफ का कान कौन सा होगा? मेरे ख्याल से ये रैबिट के पास जो है वही होगा जिराफ का कान, इजंट इट? दिखने में ऐसा ही लग रहा है। देन गाय, गाय कहता है कि अरे मेरे कान कहाँ चला गया, और चूहा का कान यहाँ गया, एलिफेंट का कान यहाँ से आना है। देन ये रहे गाय के कान जो कि डॉग डॉग में लगा हुआ है, और ये रहे, ये किसके कान होंगे? बफेलो के, इजंट इट? क्योंकि काले काले दिख रहे हैं। और ये है डॉग के कान जो कि ये गाय को, ये बफेलो को, ये किसको जाएंगे? हाँ, ये रैबिट को जाएंगे, रैबिट के पास जाएंगे, और इनके यहां से डॉग के पास आएगा। इस तरह से हमें अदला बदली करनी है। आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी? यस ऑफ कोर्स। द आर्टिस्ट हैज ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स ऑफ द एनिमल्स। हाँ, बहुत फनी लग रहा है। आर्टिस्ट ने क्या किया कि रॉन्ग ईयर्स बना दिए हैं। गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। हमें अभी लिखना है करेक्ट ईयर्स के नाम, जैसे कि एक साइड में एनिमल का नाम दिया है, दूसरा कॉलम इज फॉर द ईयर, देन एनिमल नेम एंड ईयर, मीन्स किसका एलिफेंट, जैसे कि एलिफेंट का कान किसके पास लगा हुआ है, एलिफेंट को किसका कान लगा हुआ है, माउस का कान लगा हुआ है। उसी तरह से रैबिट को किसका कान लगा हुआ है, रैबिट को रैबिट को जिराफ के कान लग गए हैं। माउस को डॉग के कान लग गए हैं। देन जिराफ गॉट द ईयर ऑफ द एलिफेंट। उसी तरह से डॉग को रैबिट, बफेलो को डियर का कान लगा है, डियर को बफेलो का कान लगा है, और हमें इसको इसको मैच करने हैं। नेक्स्ट वन इज Different animals have different kinds of ear. हर किसी का कान अलग अलग है, हमें पिक्चर में देखने से ही पता चल जा रहा है। Among the animals given below, which one have ears that you can see? अच्छा, हर किसी का कान अलग अलग होते हैं, लेकिन उसी में से किसी किसी के कान हमको दिख जाते हैं बाहर से, और किसी किसी के कान हम नहीं देख पाते हैं। तो हम किस किस के कान नहीं देख पाते हैं? इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स? ओके, हमें किसमें नहीं दिखते हैं कान? राइट इन द टेबल बिलो। इस टेबल में हमें लिखने, इसमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ। डियर, डियर, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। सो डियर का कान हमको दिखता है, इजंट इट? वी हैव टू राइट हियर। Then frog, we can't see the ear of frog. Fish, fish का कान मतलब कि अगर gills हैं, fish के gills हमें दिखते हैं, gills आपने देखे हैं, लेकिन जो gills है वो actually हवा लेने का काम करते हैं। तो हमें deer के कान दिखते हैं। We can see the ear of deer, we can see the ear of tiger, pig, buffalo, जिराफ, एलिफेंट एंड कैट, इनके हमको दिख जाते हैं कान। एंड वी कांट सी, वी कैन नॉट सी द ईयर ऑफ फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश, स्नेक, क्रो एंड लिजर्ड। इसमें एक और नाम दिया है एंट। बच्चों, एंट जो है उसके कान होते ही नहीं हैं, दिखना तो दूर की बात है। हाँ, हमें नहीं दिखता है।
लेकिन एंट्स डू नॉट हैव ईयर्स एट ऑल, एंट्स के ईयर नहीं होते हैं. दे हैव स्पेशल सेंसर्स ऑन देयर फीट विच फील द वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड. उनके पास उनके पैरों के नीचे स्पेशल सेंसर्स लगे होते हैं जो कि वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाली है, या अदरवाइज इस जगह में पानी है या खाने की चीज है, वो उनको सेंसर से पता चल जाता है. ओके, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? क्या आपको क्या लगता है कि जिन एनिमल्स के कान हम लोग को नहीं दिखते हैं उनके पास कान होते हैं या नहीं? होते हैं बच्चों, होते हैं, बस एंट के कान नहीं होते हैं. लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर. यहाँ हमको किस किस के कान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं किसी के भी कान, isn't it? But they have ear. Name the animals in the pictures. This is hen, this is sparrow, duck, parrot, crow and frog. Can you see their ears? No, they all have ears even though we cannot see them. उनके कान हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं. Find out some other animals which have ears that we cannot see. Write their names. कुछ animals के नाम लिखो जिसके ears तो है but we cannot see. Answer: some animals whose ears we cannot see are snake, pigeon, crocodile and fish. Read and write. An animal with ears like fans. Fan के जैसा ear किसके पास होते हैं? हाथी के पास. Elephant. An animal with ears like leaves. पत्तों के जैसे कान किसके पास होती है? Deer के पास. Hiran. An animal with ears on the top of its head. किसके पास होती है? ऊपर की तरफ. Rabbit की. An animal with ears on both sides of its head. Tiger. You know very well that ears help us to hear. आप लोग सभी को पता है कि ear हमको सुनने में, to hear में, सुनने में हमें सहायता करती है. In some animals you can see the ears, in some you cannot. हमने देखा इस lesson में कि हम किसी किसी animals के कान देख पाते हैं और किसी किसी के नहीं, मगर उनके कान तो रहते हैं. We cannot see a bird's ear. हम birds के ear नहीं देख पाते हैं. A bird has tiny holes on both sides of its head. Bird का क्या होता है कि holes रहता है, okay? Both the side of his head. और जो हमें लेकिन दिख नहीं पाता है दूर से. Generally the holes are covered with feathers. क्योंकि feathers से यानी कि पंख के द्वारा वे छुपे हुए होते हैं. They help the bird to hear. उस कान से वो लोग सुनने में उनको सहायता होती है. If you look carefully, you will see tiny holes on a lizard's head. अगर आप carefully देखें, lizard जो कि घर में wall में दिख जाते हैं, उनके head में दो hole दिखेंगे आपको, वही उनके कान हैं. These are its ears. A crocodile also has ears like this. Crocodile के भी उसी तरह से hole type का ही ear होता है, but we cannot see them easily. लेकिन हमें वे ear दिखते नहीं हैं आसानी से. Whose skin? Now you know how to recognize animals by their ears. आपको पता चल गया कि हम लोग animals को उसके कान से भी, कान के मदद से भी recognize कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. Means किसी किसी animals के कान हमको दिखते हैं, किसी किसी animals के कान हमें नहीं दिखते हैं. Let us see if we can recognize animals by their skin. अभी हम लोग देखते हैं कि animals के skin से हम लोग animal को पहचान पाते हैं या नहीं. यस बच्चों, आप सभी को पता है कि हम लोग स्किन देख के भी एनिमल को पहचान सकते हैं. सभी एनिमल्स के स्किन के टेक्सचर अलग अलग होते हैं, डिजाइन अलग अलग होते हैं, और हमने बचपन से ही उनको बुक्स में देखे हैं. अगर आप लोग टीवी में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं. So let's read. Match the animals shown here with the pictures of their skin. आपको इन skin के color से animal को match करना है. ये देखो, animal का shape दिया हुआ है, इसको हमें match करानी है. Make the correct pattern of the skin on the picture of each animal.
ये पैटर्न्स, करेक्ट पैटर्न्स इसमें डालने हैं, ठीक है। तो ये तो हिरन का छाल है, तो ये हिरन का स्किन हो गया। ये तो स्क्विरल का है, वेयर इज द स्क्विरल, यस दिस इज द स्क्विरल। नेक्स्ट इज ओके, ये टाइगर की है, तो टाइगर का ये रहा धारीदार। ये लियोपार्ड की होगी, तो लियोपार्ड तो वहां छुपा है नीचे, दिस इज द लियोपार्ड, इसको चीता भी कहा जाता है हिंदी में। ये है जेब्रा, जेब्रा तो ये होगा, ठीक है। इस तरह से आपको मैच करना है अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है। अगर नहीं भी है फिर भी साइंस में ड्राइंग बहुत जरूरी है, आप लोग इसके ऊपर इसके स्किन को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। पैटर्न्स किससे बनते हैं, जो हेयर रहता है, जो स्किन में जो बाल उगे होते हैं वे जिस कलर के होते हैं उसी उसी टाइप का उनका स्किन का पैटर्न बन जाता है। Have you ever seen an animal without hair or whose hair have been removed? क्या आपने कभी ऐसे एनिमल देखे हैं जिसमें हेयर ना हो या फिर उसका हेयर रिमूव कर दी गई हो? Imagine how the animal would look if it did not have any hair on its skin. There would be no patterns. कोई भी patterns नहीं होगी। मेरे ख्याल से हमने देख हमको जू में दिख जाते हैं हिप्पोपोटामस और राइनो, उनके शरीर में हेयर नहीं दिखते हैं, तो उनका स्किन में ही, लेकिन कुछ वो टेक्सचर होता है, isn't it? You might have seen some of the animals given below. इनमें से कुछ एनिमल्स को आपने देखे होंगे। Put the names of the animals in the table below. Okay, fox, frog, mouse, hen, elephant, crow, cat, camels, sparrow, peacock, buffalo, lizard, pigeon, pig, duck, cow. बच्चों मैं सारे वर्ड्स किस लिए रीड करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग रीडिंग करें और वो भी लाउडली, ओके, लाउड वॉइस में रीडिंग करना है और आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। डिक्टेशन, डिक्टेशन इज मस्ट, उससे हमारी स्पेलिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, ओके, जो कि बड़े होने से बहुत काम आएगा। और ईवीएस जब पढ़ते हैं तो उसकी पिक्चर्स को ड्रॉ कीजिए। पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल टेबल बिलो। ईयर्स कैन बी सीन, हैज हेयर ऑन स्किन। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, हैज फेदर्स ऑन स्किन। तो चार भाग में बांटे हैं, जिसके ईयर्स दिखते हैं, जिसके हेयर स्किन में होते हैं, ईयर्स कैन नॉट बी सीन, कान जिसके नहीं दिखते हैं, और हैज फेदर्स ऑन स्किन, जिसके फेदर्स होते हैं, हेयर नहीं बल्कि हेयर के जगह में फेदर्स होते हैं, ओके, पंख होते हैं। फॉक्स, फॉक्स के क्या होते हैं? यस वी कैन सी द ईयर्स, हैज हेयर ऑन स्किन, फॉक्स का हेयर भी होता है स्किन में। एलिफेंट, एलिफेंट की ईयर होते हम लोग को दिखते हैं, ears can be seen, आप लोग इस तरह से मैं बताती हूँ। Fox, elephant, pig, mouse, cat, buffalo, camel, cow. We can see the ear. Has hair on skin में आप लोग लिखेंगे fox, pig, mouse, cat, camel, cow, buffalo, elephant. Ears cannot be seen. Frog, hen, crow, sparrow, peacock, lizard, pigeon, duck. Has feathers on skin. Hen, crow, sparrow, peacock, pigeon, duck. तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। In which list did you put the cow and the buffalo? From a distance, can you see the hair on their skin? Cow और buffalo को आपने कौन से लिस्ट में डाला है, और क्या दूर से आपको काउ के और बफेलो के हेयर दिखते हैं? काउ को हमने डाला है ईयर्स कैन बी सीन, बफेलो को भी ईयर्स कैन बी सीन, देन हेयर ऑन स्किन में भी डाला है हमने काउ और बफेलो को। दूर से जब देखते हैं तो हमें काउ और बफेलो के तो हेयर हम लोग को नहीं दिखता है, लेकिन जब पास में आते हैं और हम लोग छूते भी है तो लगता है कि हाँ हेयर है। If you were to meet an elephant, would you dare to touch it? क्या आप डरोगे
उसको छूने में एलिफेंट को। डू यू नो दैट एन एलिफेंट हैज ऑल्सो हेयर ऑन इट्स स्किन, क्या आपको पता है कि एलिफेंट के भी हेयर है स्किन में? हाँ हमें पता है इज़न्ट इट, क्योंकि एलिफेंट जो है वो बहुत बड़ा एनिमल है हमारे लिए, और हम उसके पास जब जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही छोटा सा हमें लगता है, तो छूने में इसलिए हमें डर लगता है। और हाँ उसको स्किन है, वो जो है कीचड़ में बहुत देर तक या पानी के साथ बहुत देर तक खेलता भी है गर्मियों के मौसम में, ताकि वो अपने बॉडी को साफ रख सके। और हर एनिमल की रहने का, हर एनिमल के रहने का हैबिटेट जो है, जगह जो है, अलग अलग होती है, और उसी के ढंग से उनके शरीर की बनावट, उनके खान पान के साथ, उनके रहन सहन के साथ मैच करता है शरीर की बनावट, या फिर हेयर का रहना, ईयर्स के रहना और ना रहना, वो सब कुछ उसी तरह से वो लोग हैबिचुएट हो जाते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लिस्ट ले एग्स? फाइंड आउट राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। जो लिस्ट में एनिमल्स है उसमें से कौन कौन ले एग्स करता है अंडा? ले एग्स मीन्स अंडा, अंडा देते हैं। और इसमें दो बॉक्स बनाया है, इसमें हमें विच ऑफ द जो कौन कौन से एनिमल जो कि डायरेक्टली बेबी को बर्थ करते हैं, बेबी बर्थ करते हैं मीन्स जन्म देते हैं, और कुछ एनिमल जो है वे अंडे, अंडा पहले देते हैं उसके बाद अंडे से उनका बेबी निकलता है, तो हमें इस तरह से उनको बॉक्स में डालने हैं। एनिमल्स दैट ले एग, फ्रॉग ले एग्स, हैन ले एग्स, क्रो ले एग्स, स्पैरो ले एग्स, पीकॉक ले एग्स, लिजर्ड ऑल्सो ले एग्स, पिजन एंड डक ऑल्सो ले एग्स। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, जो बेबी बर्थ करता है, फॉक्स, माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, लिजर्ड, बफेलो, पिग एंड काउ, दे गिव बर्थ टू बेबीज। सम स्पीसीज ऑफ लिजर्ड्स आर ओविपोरस, दैट मीन्स एग लेइंग, एज वेल एज विविपोरस। कुछ होते हैं जो कि डायरेक्टली, लिजर्ड ही कुछ दो तरह के होते हैं, कुछ तो एग ले करते हैं, दूसरे कुछ होते हैं जो कि यंग वन को बर्थ करते हैं। ओके वो आपको बड़े होने से इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स, पुट अ सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। इसमें कहा है कि ग्रीन बॉक्स में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें इस टेबल के, ओके ग्रीन बॉक्स के और रेड बॉक्स दोनों बॉक्स के एनिमल्स के बारे में बोला है। ग्रीन बॉक्स वाले एनिमल्स के नाम में अंडरलाइन करने हैं और सर्कल लगाने हैं जो कि रेड बॉक्स में है। So, what did you know? These animals whose ears you can see have hair on their body. तो देखना कि जिन animals के कान हमें दिखते हैं उनके body में hair होता है। These animals give birth to the young ones. और वही animals जो है अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे को देते हैं। Those animals that do not have ears on the outside, और जिन animals के ears बाहर से नहीं दिखते हैं, do not have hair on their body, उनकी body में hair नहीं होते हैं। These animals lay eggs, वे animals ही अंडा देते हैं। Have you seen animals around your house or school that have small babies? आपने कभी अपने घर के और अपने स्कूल के आसपास ऐसे कोई एनिमल देखे हैं जो अपने बेबी के साथ हो? आपने जरूर गाय देखे होंगे विद देयर बेबी, बफेलो देखे होंगे विद देयर बेबी, देन पिग्स देखे होंगे विद देयर बेबी, देन डक देखे होंगे विद डकलिंग्स, इज़न्ट इट? तो जो भी देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं ये सब, तो जो भी देखे हैं राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। जिस एनिमल को आपने बेबी के साथ देखे हैं उन एनिमल्स का नाम लिखिए। हैव यू एवर कैप्ट ए पेट? कभी आपने पालतू जानवर रखे हैं अपने घर में?
डज एनी वन यू नो कीप अ पेट? क्या आप आपके जानने वालों में से किसी ने भी कभी पेट एनिमल रखे हैं घर में? फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट, तो आप उस पेट के बारे में ज्यादा जानकारी लीजिए। क्या क्या जानकारी लेंगी? अगर किसी के घर में आपने पेट एनिमल देखे हैं तो वहां जाइए और पूछिए विच एनिमल इज इट। ये तो बिना पूछे भी आपको देखने से ही पता चल जाएगा। देन राइट द नेम हियर। ओके, डज इट हैव अ नेम? क्या उनके घर वालों ने कोई नाम रखा है? व्हाट इज इट? इसको लिखिए। हु गेव इट्स नेम? किसने इसका नाम रखा है उसको लिखिए। व्हाट डज इट लाइक टू ईट? उस एनिमल को खाने में क्या पसंद है? हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड? वो उस एनिमल को घर में कितने बार खाने को देते हैं? When does it sleep? वो सोते कब है? For how long does it sleep? और कितने देर तक सोते हैं? ये काम करने के लिए आपको या तो आपके घर में पेट होने पड़ेंगे या अदरवाइज जिसके घर में पेट है उससे जाके आपको ये डाटा कलेक्ट करने हैं। Is there any special way to look after this animal? How? क्या कोई स्पेशल वे होता है इनकी देखभाल करने का? तो वो क्या होती है उसके बारे में जानिए। Does it get angry? हमारे घर में डक है और एंड यस इट गेट्स एंग्री व्हेन वी डिस्टर्ब देम। हाउ डू यू नो इट इज एंग्री? कैसे पता चलता है? बिकॉज हाउ दे विल यस रश टू यू। डज इट हैव हेयर और फेदर्स ऑन इट्स स्किन? क्या उस एनिमल के जिस भी पेट एनिमल के बारे में आप लिख रहे हैं उसके शरीर में फेदर्स है कि हेयर है? कैन यू सी इट्स ईयर्स? अभी तक आपको हेयर और फेदर्स का डिफरेंस पता चल गया होगा। कैन यू सी इट्स ईयर? क्या आपने ईयर्स देखे हैं उस एनिमल की? इज इट ए बेबी और ए यंग एनिमल और ए फुल ग्रोन एनिमल? क्या ये बेबी एनिमल है या यंग एनिमल है या फुल ग्रोन एनिमल है? Will this pet animal lay eggs or give birth to babies? क्या वो pet animal अंडा देगा या फिर baby को birth करेगा? Does it have young ones? क्या इसके बच्चे हैं? Draw a picture of this animal and color it. Give it a name of your own choice. उस animal को जो भी pet animal आपने देखा है उसके बारे में लिखा है उसको यहाँ पे draw कीजिए and color it. Now next, look at this picture. Color the parts which have been numbers 2, 4, 6, 8. Means जो even number है, okay? जो कि divide होता है. What do you see? Find out the name of the animal. ये तो करने में आपको बहुत मजा आएगा, isn't it? तो आप ये खुद से कीजिए. जितने भी even number है, उसको join कीजिए, ना कि odd number को मत कीजिए, okay? जैसे कि 1 को मत कीजिए, 2 को कीजिए, 3 को मत कीजिए, 4 को कीजिए, okay? Many many years ago, there were dinosaurs on Earth. बहुत बहुत साल पहले, 100 साल से भी ज्यादा पहले, डायनासोर रहा करता था हमारे अर्थ में, but not anymore. लेकिन आजकल नहीं पाए जाते हैं. Now we see them in films, photos and books. अभी हम लोगों को सिर्फ films, photos और books में ही दिखते हैं. Find out more about dinosaurs and share with your friends. तो डायनासोर के बारे में आप ज्यादा डाटा कलेक्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स ए लिटिल लाइक डायनासोर? बच्चों डायनासोर के बारे में कलेक्ट करने के लिए आजकल आपके हाथ में गूगल है तो गूगल में पता चल जाएगा, अदरवाइज एनसाइक्लोपीडियाज आप लोग को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हम लोग जब बचपन में हम लोग खूब पढ़ते थे तो एनसाइक्लोपीडिया आप लोग देखिए बुक शॉप में मिल जाती है, आजकल तो अमेजोन में फ्लिपकार्ट में भी मिल जाती है, तो आप लोग खरीद के भी उससे भी आप लोग को बहुत डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स लाइक? ओके, डायनासोर के जैसा दिखने वाला कोई एनिमल आपने देखा है? यस एक तो है लिजर्ड, जब भी छोटा है लेकिन दिखने में डायनासोर जैसा लगता है, फिर क्रोकोडाइल, इजंट इट? डू यू नो इट्स नेम? Find out from your elders, ठीक है? अपने अपने बड़ों के साथ बात कीजिए डायनासोर के जैसा दिखने वाले और एनिमल्स कौन कौन से हैं। Look at this animal, write its name. Do you know that this is our national animal? Yes, हम सब जानते हैं कि टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। Where does it live? ये कहाँ रहता है? ये जंगल में रहता है। It lives in jungle, in forest. The numbers of this animal are going down in India. Discuss why this could be happening. Okay, टाइगर का जो है numbers of tiger is going down, कम होते जा रहे हैं, तो
किस लिए कम होते जा रहे हैं इसको डिस्कस करने हैं आपको। क्योंकि टाइगर कम हो रहे हैं तो आजकल गवर्नमेंट ने टाइगर के लिए सेंचुरी खोली है, बहुत कुछ है जिसके बारे में आप लोग पता करने की कोशिश कीजिए। टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल एंड इट लिव्स इन द फॉरेस्ट मेनली नियर बुशेस टॉल ग्रासेस एंड पॉन्ड्स। ओके, तो अभी लेसन मेरा क्या है कि टाइगर के सेंचुरीज और टाइगर के बारे में जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स है मैं आपको बाद में किसी दिन बताती हूँ, क्योंकि आज तो लेसन फिनिश करना है। मेक योर ओन बर्ड, ओके, पेपर बर्ड बनाने के लिए सिखाया है, इसको स्टेप बाय स्टेप अपना पेपर लेके इस तरह से फोल्ड करके आप लोग बना सकते हैं। यहीं पर आपका ये लेसन भी खत्म होता है ईयर टू ईयर। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन कमेंट मी एंड आप लोग सीखते रहिए मेरे साथ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।